Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 12 or environment. In my last lecture, I also given you the introduction of environment. Now I am explaining you how do we damage our environment. हम अपने environment को कैसे damage करते जा रहे हैं, ठीक है? इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने environment को कैसे damage कर रहे हैं. अगर हम उसे stop नहीं करेंगे तो आगे जो है वो अर्थ के ऊपर जो है लाइफ पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी. तो हमें ये समझना होगा कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज कर रहे हैं. ह्यूमन बीइंग्स हैव फाउंड मैनी न्यू वेज टू कीप देमसेल्फ कंफर्टेबल, टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. वी आर डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट इन मैनी वेज. We are polluting our land, water and air by adding harmful substances. देखो आजकल जो है हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में लगे रहते हैं. मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो हमारे लाइफ को और कंफर्टेबल बना दें. और इस लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए वी आर डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट को ही डैमेज करते जा रहे हैं. हम उसे पोल्यूट कर रहे हैं, लैंड को, वाटर को, एयर को, बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस. उनके अंदर कई हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड करते हुए हम उसे पोल्यूट करते जा रहे हैं जस्ट टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो हम पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, जो हम हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं लैंड में, वाटर में, एयर में, उससे हमारा एनवायरनमेंट डे बाय डे डैमेज होता जा रहा है. Pollution of land, water and air has harmful effects on the health of the entire world. जो pollution का मतलब क्या है? Harmful substances का add हो जाना land में, water में, air में, ये pollution है, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा harmful effect create कर रहा है हमारी health के ऊपर. इस entire world के अंदर जितने भी animals रहते हैं, हम लोग भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? जितने भी एनिमल्स रहते हैं, या हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग्स बोले तो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर की हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है. आप स्लाइड की फ़ोटो में देखो, फैक्ट्रीज में से स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रहा है बाहर, तो वहाँ वो कहाँ जा रहा है? एयर का पार्ट बन रहा है. फैक्ट्रीज में से जो गंदा पानी, घरों में से जो गंदा पानी निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? पानी मतलब वाटर रिसोर्सेज के अंदर जा रहा है, जो वाटर और बाकी वाटर रिसोर्सेज को गंदा कर रहा है. उसमें देखो साइड पे देखो कितना गार्बेज है जो लैंड मतलब सॉइल के अंदर जा रहा है. तो वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट मींस वी आर पोल्यूटिंग लैंड, वाटर, एयर, सारे रिसोर्सेज को ही हम डैमेज कर रहे हैं. और ये रिसोर्सेज के डैमेज होने से हमारी हेल्थ डैमेज हो रही है. वी हैव डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट to build cities and factories. Now there are fewer trees to clean the air. Trees also bind the soil. Soil become loose when we cut the trees. अब हमने forest को damage कर दिया है. सारे forest हमारे almost damage है, destroy है. हमने उनकी जगह क्या बना दी हैं? Cities बना दी हैं, factories बना दी हैं. हमें land चाहिए cities बनाने के लिए, factories बनाने के लिए. तो हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं. अब बहुत कम ट्रीज बचे हैं, वेरी फ्यूअर ट्रीज आर लेफ्ट टू क्लीन द एयर. अब बहुत कम पेड़ ऐसे हैं जो हमारे हवा को साफ कर सकते हैं. ट्रीज का काम होता है एयर को क्लीन करना. अब अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो एयर तो गंदी होगी. ट्रीज ऑल्सो बाइंड द सॉइल. अब ट्रीज का काम होता है सॉइल को बाइंड अप करके रखना. देखो स्लाइड की फोटो के अंदर क्या दिखाया हुआ, एक ट्री है, उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल के अंदर फैली हुई होती हैं, ठीक है? बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ये सॉइल को बाइंड अप करके रखते हैं, अपने अंदर जोड़ के रखते हैं, जिससे सॉइल जो होती है वो लूज नहीं होती, हवा से, पानी से फ्लो नहीं करती, बहती नहीं है. नहीं तो अगर ये ऊपर वाली जो लेयर है, सॉइल की लेयर है, अगर ये बह जाए पानी से, हवा से, तो वो सॉइल खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है.
ठीक है, लेकिन ट्रीज कटने से क्या हो रहा है, अब देखो ये दो पर्सन जो है वो हाथ में उन्होंने क्या कुल्हाड़ी ले रखी है ताकि पेड़ों को काट सके, लकड़ी काट के अलग कर रहे हैं ताकि उससे अलग अलग चीजें बन सके, लेकिन ये फॉरेस्ट तो कटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कट जाएंगे तो क्या होगा, हमारी हवा खराब हो जाएगी, हमारी सॉइल खराब हो जाएगी, क्योंकि सॉइल लूज हो जाएगी। तो जब सॉइल बिकम लूज व्हेन वी कट द ट्रीज, जब हम पेड़ों को काटते हैं तो हमारी सॉइल जो होती है वो लूज हो जाती है ऊपर से, और वो जल्दी हवा से पानी से बह जाती है और फिर उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं रहती, जिससे और ट्रीज उसके अंदर ग्रो नहीं हो पाते। इट कैन देन बी इजिली वॉश्ड अवे बाय विंड एंड रेन, फर्टाइल टॉप सॉइल इज दस लूस्ड, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। देखो जब ऊपर की सॉइल विंड से रेन से वॉश अवे हो जाए, बह के चली जाए, क्योंकि जब पेड़ नहीं होते तो ऊपर की सॉइल लूज हो जाती है, जब ऊपर की सॉइल लूज हो जाती है तो वो वॉश अवे हो जाती है, वॉश अवे मतलब एयर और रेन उसे अपने साथ बहा के साथ में ले जाते हैं, विंड चल रही है हवा चल रही है तो अपने साथ बहा के ले जाएगी, बारिश आई पानी बहेगा तो उसके साथ बह के चली जाएगी। तो फर्टाइल टॉप सॉइल इज दस लोस्ट, अब ऊपर की सॉइल जब रिमूव हो गई तो वो लोस्ट हो गई, खत्म हो गई, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। फैक्ट्रीज इमिट स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस इन द एयर, व्हीकल्स ऑल्सो इमिट्स हार्मफुल गैसेस, वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड होम्स आर थ्रोन इंटू वाटर सोर्सेज और बरिड इन द सॉइल, दिस पॉल्यूट्स द वाटर एंड सॉइल एंड डैमेजेस द प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग देयर। अब देखो फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रही है, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैसेस जो बिल्कुल जहरीली गैसेस जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज करती हैं, ऐसी गैसेस बाहर निकलती हैं, जो व्हीकल्स चलते हैं, कार है, स्कूटर है ना, ये सारे भी क्या निकालते हैं, अपने अंदर से हार्मफुल गैसेस इमिट आउट करते हैं जो एयर का पार्ट बन जाते हैं। फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, होम्स हमारे घरों में से वेस्ट निकलता है, दैट आर थ्रोन इंटू द वाटर सोर्सेस जिसे हम पानी में बहा देते हैं, और बरीड इनसाइड द सॉइल, या फिर बड़े बड़े गड्ढे बनाकर हम अपना गंद जो होता है, गार्बेज जो होता है वो उसके अंदर बरी कर देते हैं। तो दिस पॉल्यूट द वाटर एंड सॉइल, अब ये सारी गंदगी जो है हमारी ये पानी को सॉइल को पॉल्यूट कर रही है, गंदा कर रही है, खराब कर रही है, एंड डैमेजेस द प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग देयर। अब जब सॉइल के अंदर गंदगी होगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्लांट जो होंगे वो तो डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और जो छोटे छोटे एनिमल सॉइल के अंदर रहते हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डाई आउट हो जाएंगे। तो बेटा जब हम अपने जो भी गंदगी है अगर हम उसको डैमेज करते जाएंगे, हम उसको रिसोर्सिस के अंदर डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एयर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो दीज ऑल पोल्यूशन इज कॉजिंग लोट ऑफ डैमेज टू द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। नाउ माई लेक्चर इज ओवर एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल बाय रिटन प्रैक्टिस एंड लिसन द लेक्चर 2-3 टाइम्स, इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।